ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम पांचवा स्कंद अध्याय संख्या 14। अध्याय का नाम है भौतिक संसार भोग का एक विकट मन। श्लोक संख्या 29। तो ये पद्य के रूप में है, तो मैं शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगा। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद थी कदाचित् कभी कभी ईश्वरस्य ईश्वर का भगवतः श्री भगवान के विष्णु भगवान विष्णु का चक्रात चक्र से परमाणु आदि सूक्ष्म परमाणुओं के काल से प्रारंभ करके द्विप्रहर ब्रह्मा के जीवन की अवधि अपवर्त अंत काल समय का उपलक्षणात् लक्षणों से परिवर्तन चक्कर लगाता हुआ वयसा आयुओं के क्रमानुसार रहंसा तेजी से हरता हरण करके आ ब्रह्म ब्रह्मा जी से लेकर तृण स्तंभ आदि नाम शुद्रादि शुद्र तृण पर्यंत भूतानाम समस्त जीवात्माओं का अनिमिषता अपलक निरंतर मिषदाम जीवित जीवात्माओं की आंखों के सामने फिर भी वे रोक नहीं सकते। वित्रस्त हृदय मन में डर कर तम उस ईश्वर एव निश्चय ही ईश्वरम श्री भगवान को कालचक्र निज आयुधम कालचक्र ही जिसका साक्षात आयुध है साक्षात प्रत्यक्षता भगवंतम श्री भगवान यज्ञ पुरुषम जो सभी प्रकार के यज्ञों को स्वीकार करता है यज्ञ पुरुष को अनादित्य अनादर करके प्रवाह किए बिना पाखंड देवता ईश्वर के पाखंडी अवतार मानव कल्पित भगवान या देवता कंक बाज गृद गीद बक बगुला वट्यप्राय कौओं के सदृश आर्य समा परिहृता आर्यों के द्वारा स्वीकृत प्रमाणिक वैदिक शास्त्रों से तिरस्कृत होकर सांकेत्येन कपोल कल्पित अप्रमाणिक शास्त्रों द्वारा अभिधते पूजा योग्य स्वीकार कर लेता है। श्री कृष्ण द्वारा प्रयुक्त निजी आयुध हरि चक्र कहलाता है। यह चक्र काल चक्र है। यह परमाणुओं से लेकर ब्रह्मा की मृत्यु पर्यंत फैला हुआ है और समस्त कर्मों को नियंत्रित करने वाला है। यह निरंतर घूमता रहता है और ब्रह्मा जी से लेकर शुद्रादित्य शुद्र तृण तक सभी जीवात्माओं का संहार करता है। इस प्रकार प्राणी बाल्यपन से यौवन तथा प्रौढ़ अवस्था को प्राप्त करके जीवन के अंत तक पहुंच जाता है। काल के इस चक्र को रोक पाना असंभव है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निजी आयुध होने के कारण यह अत्यंत कठोर है। कभी कभी बदजीव मृत्यु को निकट आया मानकर जानकर ऐसे व्यक्ति की पूजा करने लगता है जो उसे आसन संकट से उबार सके। वह ऐसे श्री भगवान की परवाह नहीं करता जिनका आयुध अथक काल है। उल्टे वह अप्रमाणिक शास्त्रों में वर्णित मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाता है। ऐसे देवता बाज गिद्ध बगुले तथा कौवे के तुल्य हैं। वैदिक शास्त्रों में इनका वर्णन नहीं मिलता। पास खड़ी मृत्यु शेर के आक्रमण की तरह है जिससे ना तो गिर बाज कौवे ना ही बगुले बच सकते हैं।
जो पुरुष ऐसे अप्रमाणिक मानव निर्मित देवताओं की शरण में जाता है उसे मृत्यु के चुंगल से नहीं छुड़ाया जा सकता। तात्पर्य कहा गया है हरिम बिना मृत्युम मृत्युम ना तरंती। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि की कृपा के बिना कोई भी मृत्यु के क्रूर हाथों से बच नहीं सकता। भगवद गीता का कथन है माँ में ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। जो भी अपने को पूर्णतया श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है उसे वे भौतिक प्रकृति देवी शक्ति के क्रूर चुंगल से बचा लेते हैं। किंतु कभी कभी बदजीव मानव कृत देवों देवताओं अवतारियों या कपटी स्वामियों अथवा योगियों के शरण में जाना चाहता है। ये सभी ठग अपने आप को धर्मों के नियम का पालक बताते हैं और इस कलयुग में यह अत्यंत प्रचलित है। ऐसे अनेक पाखंडी होते हैं जो शास्त्रों का आश्रय लिए बिना अपने को अवतार बताते हैं और मूर्ख लोग उनके अनुयायी बन जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने पीछे श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता नामक दो ग्रंथ सुलभ कर गए हैं। धूर्त लोग इन प्रमाणिक ग्रंथों का उल्लेख ना करके मानवकृत ग्रंथों की शरण लेते हैं और श्री कृष्ण से स्पृधा करते हैं। मानव समाज में आध्यात्मिक भावना को आगे बढ़ाते समय यही सबसे बड़ी कठिनाई सामने आती है। कृष्णा महानामृत आंदोलन मनुष्यों को सिद्ध कृष्णा महानामृत के पथ में लाने का भरसक प्रयत्न कर रहा है, किंतु धोखेबाज पाखंडियों तथा नास्तिकों की संख्या इतनी अधिक है कि कभी कभी हमारी समझ में नहीं आता किस आंदोलन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। हम किसी भी दशा में तथाकथित अवतारों देवताओं ठगों तथा वंचकों की अप्रमाणिक विधियों को स्वीकार नहीं कर सकते, जिन्हें यहाँ पर कौओं गृदों बाजों और बगलों के रूप में बताया गया है। ओम अज्ञानतिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्री गुरु श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधां कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादायं कृष्णमिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांतं स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। अब सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये जो अध्याय है भौतिक संसार भोग का विकट वन, तो पिछले 13वें अध्याय में जड़ भरत जी ने रघुगुण को शिक्षा दी थी और संक्षेप में वर्णन कर लिया था कि भौतिक जगत है
एक विकट वन के समान है। लेकिन परीक्षित महाराज भागवतम सुनने बहुत आतुर है और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कहा इसको थोड़ा और विस्तार में बताई, और सुखदेव गोस्वामी अब इसको विस्तार में बता रहे हैं कैसे इस भौतिक जगत की तुलना एक विकट वन से की जाती है। जिस वन में एक व्यापारी जाता है और खो जाता है, और किस प्रकार से उसके संबंधी, उसके मित्र, उनकी तुलना की गई है और उसका सारा धन हर लेते हैं। और इस श्लोक में बताया गया है कि कैसे एक जीव कालचक्र में फंसा हुआ है और क्यों नहीं उस कालचक्र से बाहर निकल पाता। तो हम सबके लिए बहुत ये रेलेवेंट ये टॉपिक है। और शिला प्रभुपाद की कृपा से हम जो प्रतिदिन भागवतम का पाठ करते हैं, इससे नित्यम भागवत सेवा, इससे क्या लाभ होता है कि हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है और मनुष्य जीवन का उपयोग, सदुपयोग कैसे करना चाहिए। और ये जो शास्त्र हैं ये एक आईने का काम करते हैं, दर्पण का कार्य करते हैं, ताकि मैं जान सकूं मेरी स्थिति क्या है। और कई बार ये जो भौतिक जगत इतना विकट है, माया इतनी मोहित कर देती है कि हमें जो हमारी इमीडिएट जो बिल्कुल समस्या चल रही है उसी को सुलझाना जीवन का लक्ष्य लगता है। बस इसको निपटा दूँ ठीक हो जाऊँगा, फिर एक समस्या खत्म होती है इसको निपटा दूँ यह ठीक हो जाऊँगा। और इसी में करते करते देखते हैं अरे मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य था, मैं क्या कर बैठा, कुछ हाथ में नहीं आया। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि इस मनुष्य जीवन को पा के हम बहुत फोकस रहें। मनुष्य जीवन, जीवन का क्या अर्थ है, लाइफ, लाइफ मीन्स वॉट, लाइफ को क्यों बोले, आप लाइफ को डिफाइन कीजिए, लाइफ है क्या, जीवन क्या है। कही कुछ ही हो रही, जीवन का मतलब क्या, जीवन लाइफ क्या है। हाँ ठीक है, और जन्म मृत्यु चांस, किससे कुछ करने की क्षमता है, कुछ जीवन के वो लक्षण दिखा रहा है। लाइफ सरल शब्दों में एक टाइम ड्यूरेशन, जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये लाइफ लिमिटेड टाइम। अगर किसी की समझ लो आयु 100 वर्ष भी है, कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए, 36,500 दिन, ठीक है, 36,500 दिन। एक काउंटर लगा लो आप, हम लोग हॉस्टल में होते थे ना, लास्ट सेमेस्टर होता था, बड़ी प्रतीक्षा थी कब बाहर जाएंगे बाहर जाएंगे, तो काउंट डाउन शुरू कर दिया था, एक दिन ख़त्म, दूसरा दिन ख़त्म, तीसरा दिन ख़त्म, 36,500 लगा लो, रोज एक दिन गया फाड़ दो, तुरंत ख़त्म हो जाएंगे। अगर किसी की 100 वर्ष भी आयु है, इतना टाइम है, 36,500 दिन बस ख़त्म, और 100 वर्ष तो किसी की आयु होते नहीं, बहुत लिमिटेड टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि हम लोग किसी की आयु 100 वर्ष है, पहले 20 वर्ष किसमें निकल जाते हैं हमारे, खेलने कूदने रोने धोने, स्कूल में एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन, कैरियर सेट करना, 20 साल तो ऐसे ही निकल गए। आखिरी 20 साल 80 से 100 लोग के घुटनों में दर्द, सर में दर्द, ब्लड प्रेशर, हार्ट वीक, ये सब बीमारी में निकल गए। पहले 20 वर्ष गए, आखिरी 20 वर्ष गए, बीच के बचे 60 वर्ष। 60 वर्ष में से 50% समय खाना सोना बच्चे पैदा करना उसमें गया, कितने बच गए, 30 वर्ष। 30 वर्ष में इतने काम धंधे, ये रिश्तेदारी वो रिश्तेदारी, ये ट्रैफिक जैम ये वो, करते खटा पता नहीं चलता कहाँ का हवा। जीवन ऐसे समाप्त ना, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश इन द पैन, किसी ने कुकिंग की होगी तो जैसे वो पैन, क्या बोलेंगे उसको, पैन होता है ना, आप घी डालते हैं गर्म और उसमें एक अग्नि से निकल, फिनिश। हमारा जीवन ऐसा है, पानी में बुलबुले के समान, फ्लैश इन द पैन, ऐसे निकल जाता है। तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की, भगवान उद्धव को बताते हैं तरह तरह की योनियों को मैंने बनाया, लेकिन मैंने मनुष्य योनि को रचा तो ये बहुत संतुष्टि हो, क्योंकि मनुष्य योनि में
जीव मुझे प्राप्त कर सकता है और इससे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है कि जीव मेरे पास वापिस आएगा। श्रीमद् प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं, जब भगवान इस संसार में जीव को दुखी देखते हैं तो भगवान भी दुखी होते हैं। हालांकि भगवान डायरेक्टली इससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन दुखी होते हैं कि जीव क्यों तड़फ रहा है। और जब मनुष्य जीवन मिलता है किसी को तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, अब ये मेरे पास वापस आ सकता है। लेकिन है तदपि अध्रुवम अर्थदम, कैलाश महाराज कहते हैं अध्रुवम कभी भी छीना जा सकता है, इसको क्या कर सकते हैं अर्थदम, जितना समय है इसका उपयोग कर। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है काल चक्र, ये जो चक्र भगवान का एक नाम है चक्रपाणी, जो अपने हाथ में चक्र लेकर चलते हैं उस चक्र को सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। लेकिन ये चक्र है काल चक्र, सबको हम सबके जीवन को हर रहा है, पता ही नहीं चल रहा। और इसकी खूबी क्या है कि हम सब काल के चक्र में हैं, हमें धीरे धीरे खत्म कर रहा है ना। जैसे एक अजगर को, कोई अजगर निकलता है तो धीरे धीरे काल चक्र हमें काल सब हमें निकल रहा है। किसी को पांव तक निकला हुआ है, किसी को यहाँ तक, किसी को घुटने तक, किसी को जांघों तक, किसी को यहाँ तक, किसी को यहाँ तक है, कोई यहाँ तक भी है। लेकिन हर चीज सोच रहा नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। काल ऐसे निकल रहा है हम सबको। और सबसे बड़ी बात क्या है कि काल हमें दिखाई नहीं देता, जैसे तक घड़ी दिखाई देती है बस काल हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन काल का प्रभाव दिखाई देता है। क्या क्या प्रभाव होता है काल का? बुढ़ापा, बुढ़ापा बहुत देरी में आता है, उससे पहले तो धीरे धीरे चीजें दिखाई देनी शुरू होती हैं। यार ये बाल यहाँ से उड़ना शुरू हो गए मेरे, क्या चक्कर है? आजकल हम देखते हैं कि 20-25 साल में ही बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं। हम बोलते हैं आज सीधा ही आ जाओ, सारे बाल उड़ा देते हैं, सीधे सीधे बाल उड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, दांत हिलने शुरू हो जाते हैं, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो धीरे धीरे काल का प्रभाव पड़ना शुरू होता है, काल नज़र नहीं आता। कहीं मेरी छोटा बच्चा अचानक इतना बड़ा दिखता, अरे तुम तो बड़े बड़े हो गए, तो काल का प्रभाव। इसीलिए काल क्या करता है, हर वस्तु को इस संसार की टेम्परेरी बना देता है। काल खुद सनातन है, लेकिन अपने प्रभाव से हर वस्तु को, हर चीज को क्या बोलते हैं, अशाश्वत, टेम्परेरी बना देता है। और जो चीज टेम्परेरी होती है वो हमें क्या देती है, दुख देती है, एंग्जाइटी देती है, चिंता देती है, दर्द देता है। अभी हाथ से निकल गया, अभी हाथ से निकल गया। जितने पॉलिटिशियन हैं डरे रहते हैं, अभी पदवी गई, अभी कुर्सी गई, और उस कुर्सी को बचाने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता, उसके चक्कर में फिर से कर्म बंधन में फंसता है ना। तो हमें समझना है कि हम सब काल के प्रभाव में हैं और इससे बाहर निकलना है ना। काल भगवान की क्षय करने वाली एक शक्ति है, डिस्ट्रॉइंग पोटेंसी। और यहाँ बताया गया है एक परमाणु से लेकर ब्रह्मा जी की अवधि काल का ये ड्यूरेशन है। भागवत के तीसरे स्कंद में कैलकुलेशन ऑफ टाइम, समय की गणना बताई गई, बहुत साइंटिफिक तरीके से बताया गया। उसमें एटम, एक अणु, अणु जो है सबसे छोटा एक यूनिट कह सकते हैं, और ये काल का सबसे सूक्ष्म रूप है। और जैसे हम काल की गणना सूर्य की मूवमेंट के साथ करते हैं, तो एक अणु से दूसरे अणु में जाने में सूर्य को कितना समय लगता है, उसको टाइम। और इस टाइम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आजकल हम सेकंड बोलते हैं या नैनो सेकंड बोलते रहे हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में बताया गया है एक सेकंड को आप 1687.5 से डिवाइड कर दो, उसको बोलते हैं त्रुटि। इतना है सटक, एक सेकेंड बाय 1687.5 वो होती है त्रुटि। ऐसी 100 त्रुटि बनती है एक वेद, और 3 वेद बन के बनते हैं एक लव, जो कि होता है 1/14 सेकेंड। काल इतना सूक्ष्म है, और चाहे ब्रह्मा जी भी क्यों ना हो, आ ब्रह्म भुवना लोकान पुनरावर्तन अर्चना, ब्रह्मा जी को भी अपना शरीर छोड़ना पड़ता है,
इस संसार में कुछ भी सनातन नहीं है, हम सब काल के प्रभाव में हैं। हमारी सारी योजनाएं ध्वस्त हो जाती हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं खत्म हो जाती हैं काल के प्रभाव से, और इस काल के प्रभाव को हम रोक नहीं सकते। यहाँ पे लिखा गया है अनिमिष, बिना पलक झपके कंटिन्यूसली काल चल रहा है, काल चक्र चलता रहेगा, कभी टाइम ऑफ नहीं है। फुटबॉल में कहते हैं टाइम ऑफ, नहीं कोई टाइम ऑफ नहीं है, टाइम चलता रहेगा, टाइम चलता रहेगा, लेकिन हम इसको रोक नहीं सकते, कुछ भी कर ले हम रोक नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं जीवन का संघर्ष। काल हमें खा रहा है, हम चाहते हैं नहीं हम सनातन रहें, क्योंकि हम आत्मा हैं, हम नहीं मरना चाहते, हम नहीं बूढ़ा होना चाहते, कैसे नहीं हो गए, काल कहते अभी खा रहा हूँ तुम्हें। इसलिए जीवन का संघर्ष है। बाल सफ़ेद होते हैं तो हम इसको डाई करना शुरू कर देते हैं, दान गिरते हैं तो नकली दान लगा लेते हैं, सुनाई देना बंद होता है तो हियरिंग एड्स लगा लेते हैं, आंखें कमज़ोर होती है तो लेंस लगा लेते हैं, घुटने रिप्लेस करा लेते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट करा लेते हैं, बाईपास करा लेते हैं, अपने आप को हमेशा जवान रखने का प्रयास करते हैं। जो मर्जी कर लें, काल से कोई नहीं बच सकता। आयु हरति वे पुंसान उद्यन अस्सन चयन असो यस्य क्षणा नीत उत्तम श्लोक वार्तया। सूर्य के उदय सूर्य के अस्त होने में हमारी आयु हरने गई है, हमें मालूम नहीं है। इसी रोज सुबह उठते बोलते गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग की बात नहीं है, हमारा एक दिन चला गया, ये किसी को पता नहीं। गुड तब होगा जब सेकंड लाइन फॉलो की जाए, क्या यस्य रिते क्षणा नीत उत्तम श्लोक वार्तया, जिसने अपना पिछला दिन पूरा भगवान के गुणगान में बिताया है उसका दिन नहीं हरा गया, तब आप गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं। तो केवल भक्तों को अधिकार है एक दूसरे को कहने के लिए हरे कृष्णा गुड मॉर्निंग, क्योंकि अच्छी सुबह, क्योंकि पिछला दिन हमने क्या किया, भगवान के गुणगान में बताया। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं उपदेशामृत के पहले श्लोक के तात्पर्य में, जहाँ वाचो वेगम की चर्चा आ रही है, और बात बताते हैं कि हम हर किसी को इस वाणी के वेग को रोकना चाहिए, सहन करना चाहिए। वाणी के वेग को हम सहन नहीं कर पाते, उल्टा सीधा बोलते हैं, तो प्रभुपाद किसका उदाहरण देते हैं, मेंढक का। मेंढक कर कर करके क्या करता है, सांप को बुलाता है, और सांप क्या है, उसकी मृत्यु। तो अगर हम इस संसार की बातों में फंसे हुए हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मृत्यु को बुला रहे हैं। आयु हरती वही पुंसान, आयु हरी जाएगी। लेकिन अगर कोई, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ, एक कृष्ण महानामृत का प्रचारक मृत्यु के चुंगल से हमेशा बाहर है। कैसे समझेंगे इस बात को, अगर वही पूरा दिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो पूरा दिन ये कर रहा है, भगवान का गुणगान कर रहा है, भगवान के भक्तों का गुणगान कर रहा है, सेवा में लगा हुआ है, उसको मृत्यु छू नहीं सकती। तो जी कैसे हम बात कर रहे हैं, भक्तों को भी बूढ़ा होते हुए देखते हैं, भक्तों भी बाल सफ़ेद होते हैं, भक्त लोग शरीर छोड़ते हैं, तो इस बात को कैसे समझें। कहाँ जा रहा है, और वेरी गुड, हाँ जो भक्त शरीर छोड़ते हैं वो अपने सनातन धाम की ओर जा रहे हैं, अपने असली घर को जाए, तो उसको मृत्यु नहीं कहेंगे। मृत्यु उसको कहेंगे जातस्य ध्रुव मृत्यु, मृत्यु जस्य जन्म में जाए, कि जिसके जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित है, जिसकी मृत्यु उसकी जन्म निश्चित है। लेकिन भक्तों का अगला जन्म नहीं होगा, वो सीधा कहाँ जाएंगे, भगवान के धाम। ध्रुव महाराज के लिए जब वैकुंठा एयरलाइन से प्लेन आया तो ध्रुव महाराज मृत्यु के सर पर पाँव रखकर उस प्लेन में चढ़े। तो भक्तों को यमराज जी भी भागवतम के छठे स्कंद में यमदूतों को बोलते हैं, जिसने ये वैष्णव तिलक लगाया है और कंठी डाली हुई खबरदार जो उसके पास गए। पूरी दुनिया यमदूतों से डरती है लेकिन यमदूत वैष्णवों से डरते हैं। तो ये जो मनुष्य जीवन मिला है इस काल चक्र से बाहर निकलने के लिए मिला है, इससे बाहर निकलना है। और कैसे, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरन्ति ते, भगवान की शरण ग्रहण करनी है, ताकि भगवान के हाथ में चक्र पाणी है उनके लिए ये काल सुदर्शन चक्र काम नहीं करेगा, ये भक्तों को रक्षा प्रदान करता है। जब दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश महाराज पे गुस्सा करके एक असुर की उत्पत्ति की जो कि अम्बरीश महाराज को मारने वाला था, सुदर्शन चक्र अपने आप ही बिना भगवान के निर्देश के स्वतः ही
उसके पीछे दौड़ पड़ा कि मुझे भक्तों की रक्षा करनी है। पूरे ब्रह्मांड में दुर्वासा मुनि भागते रहे, कोई उनको नहीं बचा सका जब तक उन्होंने आके अम्बरीश महाराज के शरण ग्रहण नहीं किए। तो ये जो काल चक्र है ये भक्तों की रक्षा करता है काल से, लेकिन जो अभक्त है उनकी आयु को हल। इसलिए हमने क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए जो ये भौतिक जगत में हर वस्तु काल के प्रभाव में है, भौतिक जगत से परे जो आध्यात्मिक जगत है वहाँ भी काल है लेकिन काल का प्रभाव नहीं। भगवान जब रासलीला करते हैं शारदीय रास में, भगवान कितने लंबे अवधि की काल रासलीला करते हैं, एक रात कितनी बड़ी हो जाती है, ब्रह्मा जी की रात, ब्रह्मा जी की एक रात कितनी होती है, 430 करोड़ साल, 430 करोड़ साल पृथ्वी के सालों तक गोपियां भी नाच रही हैं, भगवान भी नाच रहे हैं। गोपियों को ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई थकावट नहीं है हुई कुछ नहीं, क्यों, सनातन है। इसी ढंग से भगवान का हम चित्र देखते हैं हमेशा नित्य किशोर। तो आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है, काल भगवान की शक्ति है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। जब भगवान की इच्छा होती है लीलाओं के लिए सुंदर सा चंद्र उत्पन्न हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, बादल आ जाएंगे, सब काल के प्रभाव से। तो भगवान की सेवा के लिए है काल। इसी ढंग से जो भक्त भगवान की शरण लेते हैं काल उनको सहायता करता है उनकी सेवा में। जैसे श्रील प्रभुपाद वृद्धावस्था में अमेरिका गए और 11 वर्ष में पूरे विश्व का 14 बारी भ्रमण किया, कोई भी करके दिखा दे, हम थोड़ी सी ट्रैवलिंग करते हैं हमारा बुरा हाल हो जाता है। और प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं प्रभुपाद जी संसार के एक कोने से दूसरे कोने में जाते थे, अलग टाइम जोन होता था, प्रभुपाद कोई जेटलैग नहीं होता था, जो मर्जी समय प्रभुपाद ने 1 बजे उठ के भागवतम ट्रांसलेट करना शुरू कर दिया। उनके जो युवा शिष्य होते थे बेचारे टूटे रहते थे, थके अरे, और प्रभुपाद जी में इतनी शक्ति कैसे, भगवान की कृपा से। और उस कृपा को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे षट गोस्वामी बिंद जो थे मुश्किल से 1.5 घंटा विश्राम करते थे और 1.5 घंटा विश्राम करने के बाद ही पछताते थे, हमने टाइम व्यर्थ गवाया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं और भक्तिनाथ ठाकुर भी बताते हैं हमको भौतिकवादी लोगों से सीखना है कि वो अपने जीवन के तथाकथित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने गंभीर होते हैं। प्रभुपाद नेपोलियन का उदाहरण देते थे, नेपोलियन टाइम को इतना सेव करता था, रात को सोता ही नहीं था, कब सोता था वो मालूम है, कब सोता था, घोड़सवारी करते हुए, जब एक देश से दूसरे देश में जा रहा है घोड़े पे बैठे बैठे सोता था। टाइम नहीं है, पूरे विश्व को जीतना है। इसी ढंग से भक्तों को भी टाइम को लेकर बड़ा गंभीर होना चाहिए, कुछ भी क्षण हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल फोकस रहना चाहिए। कई बार भक्ति में आने के बाद भी, भक्तों के संग में आने के बाद भी उल्टी सीधी बातें हमारे मन को हर लेती हैं, हम उन चक्रों में फंस जाते हैं और जो जीवन का असली लक्ष्य है फोकस उसको लूज कर देते हैं। कैसे फोकस रह सकते हैं, तभी भगवान ने वर्णाश्रम बनाया है, ब्रह्मचार्य आश्रम, ग्रस्त आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। आश्रम की क्या परिभाषा है, आश्रम की परिभाषा है जहाँ पे आध्यात्मिक संस्कृति हो, स्पिरिचुअल कल्चर। बस अपने मन बुद्धि और वाणी का उपयोग, मन शरीर और वाणी का उपयोग हम कर रहे हैं भगवान और गुरु की सेवा में, फोकस्ड है, उससे हम विचलित नहीं हों। तो बहुत आवश्यक है कि जिस भी आश्रम में हम स्थित हैं अपना पूरा समय हम कृष्णा भावना भावित रहें। बहुत कुछ हमें होते हुए दिखाई देगा लेकिन हमारी परीक्षा की घड़ी है, हर समय में क्या रखना है कि अपने लक्ष्य को भूलना नहीं। कोई माया इतनी चतुर है हमें टेस्ट करती रहती है, माया स्थूल रूप में धन और स्त्री के रूप में आएगी, स्त्रियों के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री और धन, इससे हमें आकर्षित करेगी, लेकिन सूक्ष्म रूप में क्या आएगी, हमारी श्रद्धा को हिलाएगी, भक्तों के आपस में संबंध में कुछ कड़वाहट लाएगी, जिससे हमारा भक्ति में जो श्रद्धा है वो हिल जाए और फिर अपने जीवन के लिए हम विचलित हो जाए। इसमें सावधान रहना है कि कुछ भी हो जाए, ये जो मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, ये हमें इन छोटे छोटे मामलों को निपटाने के लिए नहीं मिला, असली मामला निपटाने के लिए मिला है,
कि मैंने इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचना है। ये छोटे छोटे मामले निपटाने में हमने सारी शक्ति गंवा दी और शरीर छोड़ दिया, खत्म। चैतन्य महाप्रभु पहले निमाई पंडित थे, बहुत उद्दंड थे। जब उन्होंने ईश्वरपुरी पाद से दीक्षा लेकर आए गया से, बहुत गंभीर हो गए और वो शिवास ठाकुर के घर में गए और बोले, ये मनुष्य जीवन सोने के लिए नहीं है, पूरी रात संकीर्तन करें। क्या सीखते हैं? जब उन्होंने प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त कर ली, फिर टाइम वेस्ट नहीं करना, फिर टाइम वेस्ट का स्कोप नहीं। अगर दीक्षा प्राप्त लेने के बाद भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हम शिष्य नहीं। शिष्य का मतलब है जो डिसिप्लिन, सही लाइफ जिए। इसीलिए ये जो श्लोक है हमें बता रहा है कि काल चक्र से हमें बाहर निकलना है, कैसे? भगवान की शरण ग्रहण करनी है। और हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम श्रील प्रभुपाद की शरण ग्रहण कर सकते हैं। और एक नित्य बद्ध और नित्य सिद्ध जीव में क्या अंतर है? नित्य सिद्ध जीव वो हैं जो कभी कृष्ण को भूलते नहीं, और नित्य बद्ध जीव वो है जो हमेशा कृष्ण को भूला रहता है। हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? नित्य बद्ध हैं, लेकिन कभी कभी तो कृष्ण को याद करते हैं। तो हमने क्या करना है? नित्य बद्ध से नित्य सिद्ध की ओर बढ़ना है, यही साधना भक्ति है। इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी है कि हमेशा कृष्ण का स्मरण रहे। इसलिए जितना भी साधना भक्ति के नियम है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मर्तव्यम सततम विष्णु, विस्मर्तव्य न जात उचित, सर्व विधि निषेध है। जितने भी विधि और निषेध हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि एक क्षण के लिए भी हम भगवान को भूलें। सो प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने जीवन को इस ढंग से ढालें कि हाँ, हमेशा कृष्ण के संपर्क में रहें, कृष्ण को कभी ना भूलें। तो क्या करना है? अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जन। जो चीज़ें हमें कृष्ण को भुलाती हैं उनको नहीं करना, जो हमें कृष्ण का स्मरण दिलाती है उसको अपने जीवन में उतारना है। वेरी सिंपल। अगर हम वास्तव में भक्ति में सिंसियर हैं तो अब इसको अपनाएंगे। क्या देखूंगा, अरे इससे मेरा भगवान का विस्मरण हो रहा है, मैं भगवान को भूल रहा हूँ, ये मेरे काम की नहीं है, इससे मेरे भगवान का स्मरण बढ़ता है, मैं इसको करूँ, बस सिंपल है। ये शरणागति का लक्षण है, ये दिखाता है कि वास्तव में हम भगवान की शरण लेना चाहते हैं। अगर हम उल्टा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम वास्तव में भगवान धाम जाने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान कराने के लिए गंभीर नहीं। इस संसार में भक्ति के अलावा और कोई भी हमारी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। भागवत आदि पहले इसका वर्णन आता है, जब व्यास देव जी ने इतने सारे शास्त्रों की रचना कर ली तब भी बड़े असंतुष्ट थे, तो नारद मुनि के सामने आए और उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि मैं असंतुष्ट क्यों हूँ। तो नारद मुनि बोला कि आपने इतने सारे शास्त्रों की रचना तो की है, लेकिन शुद्ध भक्ति का प्रचुर मात्रा में गुणगान नहीं किया, बार बार और सही मात्रा में गुणगान नहीं किया। तो नारद मुनि ने बोला कि आप भक्ति योग में समाधि लगाइए और आपको दर्शन होंगे। तो बद्रीनाथ में सरस्वती नदी के तट पे व्यास देव जी बैठते हैं भक्ति योग में स्थिर होकर, और फिर भगवानों को दर्शन देते हैं, और उस दर्शन में भगवान के दर्शन करते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति भी साथ में है और माया शक्ति भी है जो भगवान के पीछे खड़ी है। और व्यास देव जी देखते हैं, यया सम्मोहितम जीवम आत्मानम त्रिगुणात्मकम परोपि मनोते अर्थम यत्तम चाभि पद्यते, कि जीव कैसे माया के चंबल में फंसा हुआ है। माया के चंबल में जीव फंसा हुआ है, तो इसका समाधान क्या ढूंढते हैं? फिर अगले श्लोक में समाधान बताते हैं। अनर्थो उपशमं साक्षात भक्ति योग अधोक्षजे लोकस्य अजानात विद्वान चक्रे सात्वत संगीता। अनर्थ, जो इस संसार में हम तरह तरह की उल्टी सीधी इच्छाएं पाल के बैठे हैं कृष्ण भक्ति के अलावा, सब अनर्थ है। इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा? भक्ति योग अधोक्षजे, कृष्ण की भक्ति करके। लोकस्य अजानाता, साधारण जनता इसको जानती नहीं है। क्या करना है? विद्वान चक्रे सात्वत संगीता, तो व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की है, तो इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ के समझ के हम अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल बात नहीं है। लोग बोलेंगे प्रभु जी ये तो किताबी बातें हैं। नहीं,
ये किताब नहीं है, साधारण किताब नहीं है, ये साक्षात कृष्ण। श्रीमद् भागवतम को पढ़ के चर्चा करके हम इस काल चक्र काल के चंबल से बाहर निकलते हैं और अध्यात्मिक जगत में जाते हैं जहाँ काल का कोई प्रभाव नहीं। श्रीमद् भागवतम में इतनी शक्ति है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने बताया कि नित्यम भागवत सिंधिया। इस भागवतम को सुनना है, इसको मनन करना है और इसके अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है, तब हम देखेंगे हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, हमारे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, उसका समाधान। इसको छोड़कर हम किसी समस्या के समाधान का उपयोग प्रयास करते हैं तो हमारी समस्याएं कम नहीं होंगी और बढ़े। तो इसलिए भक्तों को अपने समय का उपयोग करने के लिए बहुत ही अलर्ट सावधान रहना चाहिए। परम पूज्य ने राधानाथ स्वामी महाराज का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, इसमें बहुत ही देखो टच करते हैं, बोलते हैं कि हैविंग फ्री टाइम इज नॉट एन ऑपुलेंस बट एन डेंजर। खाली समय रखना कोई ऐश्वर्य नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा, आज अरे आ जाओ, टाइम है मेरे पास, आज खाली हो ना। जो भक्त कह रहे हैं मैं खाली हूँ, बहुत समय है मेरे पास, ये कोई ऐश्वर्य नहीं है, बहुत बड़ा खतरा है। क्यों खतरा है भक्तों के लिए खाली टाइम रहना? हैं, खाली टाइम होने से क्या होगा? और कुछ टाइम हाँ, भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो माया की सेवा कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है। बड़ी मुश्किल से जो भक्ति मिली है वो हाथ से निकल जाएगी। इसलिए भक्तों को अपने जीवन को ऐसे सुधारना है कि हमेशा हम भक्ति में व्यस्त हैं। और भक्ति में इतनी वैरायटी है, कभी हम जप कर लें, कभी श्रवण कर लें, कभी अध्ययन कर लें, भक्तों की सेवा कर लें, कुकिंग कर लें, डीटी वर्शिप कर लें, कुछ ना कुछ करते रहे ताकि हमारा मन हमेशा भगवान के बारे में सोचता रहे। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में दूसरी चुनौती की चर्चा कर रहे हैं कि अगर कोई वास्तव में भगवान की शरण लेगा तभी वो काल के प्रभाव से मुक्त होगा, लेकिन कलयुग में छद्म गुरु चीटिंग गुरु बहुत हैं, चीटिंग संस्थाएं बहुत हैं, तथाकथित आध्यात्मिक संस्थाएं, उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं। उनकी तुलना कैसे की गई है? गिद्ध से, कौओं से, उनसे सियार से उनकी तुलना की गई है, और ये जो चीज़ है मृत्यु की तुलना की गई है शेर से। तो कौवे सियार गिद्ध हमें शेर से नहीं बचा सकते। तो तथाकथित जो गुरु है, और लोग अक्सर आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि कोई गुरु शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो उनके शिष्यों को क्या डिक्लेयर कर देते हैं? भगवान। जो तो भगवान थे, अपनी लीला करने आए थे। कितनी ऐसी संस्थाएं, कितने ही भगवान घूम रहे। इंडिया टीवी ने अभी कुछ किया था, कुछ साल पहले 11 कल्कियों को इकट्ठा कर दिया था, और सब कह रहे मैं कल्कि, बोले मैं कल्कि, मैं कल्कि, सब देखो से कुछ चुनौती दे रही कि मैं कल्कि। कितना ही है, हम जब भी कुंभ मेला में जाते हैं 2-3 चैतन्य महाप्रभु तो मिल जाते हैं हमें, बड़े बड़े बाल करके घूम रहे हैं सर, ऐसे ठग लोग घूम रहे हैं। और अधिकांशतः लोग जो भोले वाले लोग हैं इनके चक्कर में फंस जाते हैं। उनके चक्कर में फंसने से कोई काल से बच नहीं पाएगा। श्रीमद् भागवतम में उदाहरण आता है, कुत्ता है, एक कुत्ता है ना, वो पानी में तैरने का प्रयास कर रहा है और कोई व्यक्ति उसको पूंछ को पकड़ ले, यस कुत्ते जी, हे कुकुर देव, आप मुझे जन्म मृत्यु के सागर से पार लगा दो। ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? एक नंबर का मूर्ख। इसी ढंग से वो उदाहरण दे रहे हैं कि संकट के समय कोई कृष्ण को छोड़कर किसी देवता की शरण ग्रहण करता है वो उसी प्रकार से मूर्ख। देवताओं के लिए ऐसा बोला गया है, और जो तथाकथित नकली देवता बनते हैं, नकली भगवान बनते हैं, उनका क्या कहना? इसलिए हम लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें प्रमाणिक गुरु की शरण मिली है। अब हमारा ये कर्तव्य है, जो भक्ति का बीज हमें प्राप्त हुआ है इसका सिंचन हमने करना है, और उसके लिए ये मनुष्य जीवन जो कि बहुत ही सीमित समय है, सीमित समय में अनंत को प्राप्त करना है। भगवान असीमित है, हम सीमित हैं, तो सीमित को और असीमित को प्राप्त करना है, तो इसका मतलब जितने पास उसके रिसोर्सेज हैं, पूरा शरीर, पूरा मन, हृदय, पूरा समय भगवान की सेवा में लगाएंगे, तब जाके वो प्राप्त होंगे।
अगर ये हमने सीमित टाइम, सीमित शरीर, सीमित सुविधाएं सही ढंग से उपयोग नहीं किया, तो इस भक्ति के जो सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ है, इसको हम खो बैठते हैं। इसलिए ये श्लोक हमें ये सिखा रहा है कि ये काल चक्र है, ये हम हमेशा हमें मृत्यु की ओर धकेल रहा है, लेकिन जब हम भगवान की शरण लेंगे तो मृत्यु की ओर नहीं, ये हमें सनातन भगवान के धाम की ओर ले जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें अपने समय को बहुत ही नियमित रूप से, बहुत ही अपने इंद्रियों को संयम करते हुए, मन को संयम करते हुए क्या कीर्तनीय सदा हरि। इसे चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, ऋणादपि सुनिश्चिन रोरपि सहिष्णुना अमानिना मांगदे कीर्तनीय सदा हरि। इस संसार में दिक्कत क्या है, हम अपने मिथ्या अहंकार के कारण हर जीव अपने आप को प्रूव करने का प्रयास कर रहा है, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं आपसे बेहतर हूँ। हर जी को ये कॉम्प्लेक्स है कि मैं उससे श्रेष्ठ हूँ। हम यहाँ प्रूव करने नहीं आए, हम यहाँ इम्प्रूव करने आए। अपने आप को याद रखो, अगर हमने अपने आप को प्रूव कर भी दिया कि मैं आपसे बेहतर हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, काल का चक्र में निकलता ही रहेगा। हम यहाँ प्रूव करने नहीं आए, हम यहाँ क्या करने आए हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। दूसरा इम्प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा, ये उसकी इच्छा। मैंने क्या करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। ये मनुष्य जीवन इसीलिए प्राप्त है। इस प्रकार से करते हुए हम इस भौतिक जगत को छोड़कर आध्यात्मिक जगत में जाएंगे, जहाँ हम कृष्ण के साथ खेल सकते हैं, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण के साथ नृत्य कर सकते हैं, हाँ, जहाँ कोई काल का प्रभाव नहीं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न इन समय है तो जो यम दुर्ग है वो राइस बॉडी रखने पर जो कर्मी लोग है वह प्रत्यय नहीं है, सब कुछ है रिकॉर्ड। यहाँ लिखा है ब्रह्मा जी से लेकर घास के तिनके तक सब काल के प्रभाव। घास का तिनका भी एक जीव, उससे नीचे एक छोटे से छोटा जीव, एक वायरस, एक कीटाणु, सब काल के प्रभाव, सबका रिकॉर्ड। लेकिन जो चित यमदूत है यमराज के श्रेणी में, यमराज की कोर्ट में खाली मनुष्य, क्योंकि मनुष्य कर्म करता है, बाकी योनियां तो भुक्त योनि है, उनका समय निर्धारित है, समय के बाद उनको शरीर ट्रांसफर होता है। लेकिन हमारे कर्मों का पूरा अकाउंट रखा है, तो क्या करना है, हमें अपने वर्तमान को सही करना है, भविष्य अपने आप सही हो जाए। हम लोग समय का कैसे व्यर्थ करते हैं, या तो हम भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं, या भूतकाल के बारे में शोक करते रहते हैं, और वर्तमान को समझते हैं ये तो यार अभी प्रैक्टिस मैच चल रहा है, क्रिकेट में नेट प्रैक्टिस होती है ना, तो नेट प्रैक्टिस में मैं कितनी बार भी क्लीन बोल्ड हो जाऊँ तो काउंट नहीं होगा, माना नहीं जाएगा। नहीं, हम सीधा मैच खेल रहे हैं, ये मैच खेला जा रहा है, हम जो कर रहे हैं उसके कई विटनेस हैं, उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जो करना है इसी क्षण सही कर लो, वर्तमान को सही कर लिया भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं अभी तो यार जब जैसा हो रहा है ठीक है, एक दिन आएगा मैं शुद्ध नाम लूंगा, नहीं वो दिन अभी नहीं आएगा, अभी है, अभी वो समय है शुद्ध नाम ले लो। एक दिन आएगा मैं बहुत अच्छा भक्त बनूंगा, नहीं नहीं अभी इसी क्षण अच्छे भक्त बनो। नहीं बाबू जी अभी तो मैं बहुत अनर्थ है, अभी तो मैं नया नया नहीं, अभी नहीं इसी समय, भविष्य के बारे में नहीं, क्योंकि वर्तमान ठीक नहीं है तो भविष्य कैसे ठीक होगा, और वर्तमान क्यों ठीक नहीं है कि भूतकाल ठीक नहीं था, और क्यों नहीं ठीक होता, हम वर्तमान में रहते ही नहीं, हम या तो भविष्य की चिंता करते रहते हैं या भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं, वर्तमान हाथ से निकल गया और फिर वो भूतकाल बन गया, फिर उसके बारे में शोक करते रहेंगे। तो हमारी ये मेंटेलिटी रहती है अभी मैच शुरू नहीं हुआ ना, बच्चे खेलते थे ना, ये ट्राई बॉल है, ट्राई बॉल पे आउट नहीं माना जाएगा, कोई ट्राई बॉल नहीं है, मैच शुरू हो गया पूरा, आउट है तो आउट है, खेलो अभी सही खेलो। इसीलिए यमराज जी बता रहे हैं बहुत से विटनेसेस हैं, हम क्या गलत सोच रहे हैं, क्या गलत काम कर रहे हैं, बहुत से विटनेसेस हैं। इसलिए क्या करना है, इसी क्षण को सुधारना है, भविष्य अपने आप सुधरेगा। ठीक है, यस सर,
did it, go first, and then down in go first, and I have my head just down in my IT. And I actually didn't want to be that work, but when I go, you know, to the end. But I'm not technically that long, but I'm not about in the building, but to the 8th place, I'm very excited, as I am. Those new cassettes, those are new. हाँ, तो अगर तिलक तिलक कंठी लगाया है, हम हरि नाम ले रहे हैं, लेकिन वह हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ, ये हमारी अवस्था है, हम बीच में अटके हों, है ना? तो निश्चित रूप से विष्णु दूत नहीं आएंगे, लेकिन यमदूत भी नहीं आएंगे, ठीक है ना? यमदूत भी नहीं आएंगे और विष्णु दूत के हम भी योग्य बने नहीं, यमदूतों की बाउंड्री से बाहर है, लेकिन विष्णु दूतों के लिए भी योग्य बने नहीं, तो यमदूत के नहीं आएंगे, विष्णु दूत कृष्ण है. बिल्कुल अच्छा प्रश्न है बाबू जी आपका. भक्ति में आने के बाद शुरू शुरू में बड़ी तीव्रता होती है. भक्ति में कोई नया जुड़ता है वो हर बात को बड़ी गंभीरता से लेता है. जो लेक्चर सुनते हैं उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है. बाद में हमने सब सुन लिया, अरे ये तो पता है, ये तो मैं भी बोलता हूँ, मैं भी अच्छा बोल दूंगा, ऐसे कर लूँगा. तो हम उसको अंतरंग आत्मसात नहीं करना चाहते, हमें सब मालूम है. तो धीरे धीरे हम कैजुअल हो जाते हैं, यही माया की चाल होती है. इसीलिए एक भक्त को हमेशा भक्तों के संग में फायदा क्या होता है, बार बार भागवतम पढ़ने से सुनने से हमें बार बार याद दिलाया जाता है, बार बार कि नहीं जीवन का लक्ष्य दोबारा याद करो, भटक करे हो याद करो, भटक करे हो याद करो, है ना? और ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाएं, ऐसे भक्तों से बचना चाहिए जो हमें कन्फ्यूज करें, लक्ष्य से दूर ले जाए. उनका आदर करें लेकिन अंतरंग संग ना करें. हाँ, जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए तो भक्ति हरि नाम में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पाप को भी आसानी से खत्म कर सकता है. लेकिन इसका गलत फायदा नहीं उठाना, नाम के बल पर पाप नहीं, फिर वो ज्यादा सजा मिलेगी. We discussed the fact that I had a school senior at 3 o'clock, that's what I thought. First school senior, I think of Dr. Meen here. After we have been there. So she does, she's glad to be some God, you know. Sindhar, Jor se bode. We have a bad heart, my God. But we need to go to the other year, you know, she is. Oh, this good thing about you. Okay, we can all be watching me. So, yeah. सूक्ष्म तरीके से शरीर में सूक्ष्म तरीके से जो माया प्रवेश करती है भक्तों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करके, जिससे भक्तों की श्रद्धा भक्ति की विधि में कम हो जाए. और फिर वो माया टेस्ट करती है. माया भगवान की एक शक्ति है, वैष्णवी है, भगवान को लगा रखा है कि उन्हीं जीवों को भेजना जो वास्तव में मेरी सेवा करना चाहते हैं. जो सेवा के नाम पर कुछ और चाहते हैं उनको वहीं रखो. जो वास्तव में मेरी प्रसन्नता के लिए सेवा करना चाहते हैं उन्हीं को भेज दो. तो माया हमें तरीके तरीके से कभी प्रलोभन देगी, कभी जो दी ये फैसिलिटीज को छीन लेगी. आप कैसे करते हो, हर परिस्थिति में कितना कृष्ण का स्मरण करते हो, तो माया टेस्ट करती है. भक्तों के बीच में गलत फहमी भी लाएगी, आप क्या करते हो. तो जो बहुत तीव्र होगा कि नहीं मुझे पाना ही है कृष्ण को, वो माया के एक एक टेस्ट को पास करता जाएगा, ठीक है. समय की सुबह 4 से 9 कर लेकर तो बड़ा अच्छा टाइम निकलते हैं आध्यात्मिक. 9 बजे के बाद धन कमाने जाते हैं परिवार के पालन के लिए, क्या उसको टाइम वेस्ट माना जाएगा? क्या कहना आप लोग? क्यों
तो आपके शरीर से जुड़ी चीजें उनकी भी पति आपकी जिम्मेवारी है, परिवार का पालन करना भी आपकी जिम्मेवारी है, लेकिन उसको आप कृष्णा कॉन्शियस तरीके से करें, ठीक है। हमें सुबह का समय इतना अच्छे ढंग से मॉर्निंग प्रोग्राम करना चाहिए कि इसकी सुगंध पूरा दिन रहे। अच्छे ढंग से अगर आप जप करके जाएंगे, श्रवण करके जाएंगे, तो आप जब अपने काम धंधे में जाएंगे तो उसकी सुगंध होगी, आप उसी तरीके से करेंगे, आपको याद आता रहेगा, हाँ आज ये सुना था, ये पढ़ा था, अच्छा जप किया, तो चेतना अच्छी रहेगी। लेकिन अगर सूर्य आपने सही ढंग से नहीं किया तो बाहर चले जाते हैं, होता क्या है फिर जो हम बाहर गए उसकी दुर्गंध हम अगले दिन ले आते हैं मॉर्निंग होगा। जब करें तो कल ये हुआ था, कल ये किया, फिर ये करना, ये करना, उल्टा होना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक क्रियाओं की सुगंध हमारे भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक बना दे, ना कि भौतिक कार्यों की दुर्गंध हमारे तथाकथित आध्यात्मिक कार्यों को भौतिक बने, ठीक है। इस ढंग से फिर कोई दिक्कत नहीं। साधना दे रहे हो कि सब कुछ देवा रहे बताए बता रहे हो जैसे पैटिंग कर रहे हैं रिश कर रहे हैं जो तो देवा रहे हैं देवा रहे हैं बहुत नहीं देवा कोई बात नहीं, करिए सेवा करिए, डिपेंड करता है कौन सी सेवा है, कितनी इमरजेंसी है, कैसी है, तो सेवा आएगी। ऐसा थोड़ी नहीं मैं जब मैं क्या करूँ, सेवा ही मांग रहे हो वो आ रहे अभी आ गया लो सेवा करो, नहीं अभी टाइम भैया मांगने दो पहले तो देखना पड़ेगा कैसी सेवा है क्या है, और प्रतिदिन ऐसा हो रहा है तो फिर सिस्टम बनाना पड़ेगा क्या, जब भी जब करना भी एक सेवा है और सेवा करना भी सेवा। काल की कोई सीमा होती है वहां तक कोई फोन, हाँ काल तो सनातन है ना, लेकिन भक्ति से हम काल को पार कर सकते हैं। ध्रुव महाराज का उदाहरण लिया, ध्रुव महाराज काल के सर पे पांव रख के गए, तो भक्त जो हैं वो काल को पार करते हैं। आध्यात्मिक जगत में काल का प्रभाव नहीं है, कोई इस भौतिक जगत से परे बिरजा नदी है, कारण सागर, उसके ऊपर ब्रह्म ज्योति है, उसके ऊपर महेश धाम है, फिर बैकुंठ जगत शुरू होती, ठीक है। तो जो ब्रह्म ज्योति तक हैं वो भी नीचे गिर सकते हैं, पूर्ण रूप से शाश्वत रूप को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में आत्मा के लिए सेवा नहीं है, जीव का स्वरूप है कृष्ण की सेवा का, तो वहाँ से भी वो नीचे गिर सकता है। लेकिन जब हम वैकुंठ धाम में जाते हैं वहाँ से वह निश्चय गिरने का नहीं, वो काल के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त, ठीक है। आप सब हाँ आपने बताया कि माया मतलब बीच में मतभेद उत्पन्न करती है, अगर किसी कारणवश तो वो के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाए क्या, बहुत से कारण होते हैं, किसी कारण नहीं और बिना कारण के भी होते हैं ये इनके इन प्रकार भक्त बीच मतभेद होते रहेंगे। कलयुग है और हम सब बदजीव हैं, प्रकृति के तीन गुणों में हैं, मतभेद होते ही रहेंगे, है ना। इसको सबसे अच्छा तरीका है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब महावर्णन आता है, चार कुमार हैं और जय विजय सारे ऊंचे भक्त हैं, उनमें मतभेद हो गए। जय विजय ने बोला चार कुमार के नंगे बच्चे कहाँ जा रहे हो, मंदिरों के नंगा आया है सब जाने लोग आए खड़े हो नंगे होकर जा रहे हो, बोले नंगे तुम अभी भी शरीर की चेतना में देखते हो, तुम वैकुंठ में जाना ही होगी नहीं हो, वहाँ मतभेद हो गया, वहाँ हो गया मतभेद। वहाँ प्रभुपाद कहते हैं कई बार हो सकता है वैष्णव सही व्यवहार ना करे आपके साथ, तो उस दूसरे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, थोड़ा ठंडा पड़ जाए, कोई उस समय थोड़ा सा वो माइल्ड हो जाए, ठंडा पड़ जाए। एक व्यक्ति गर्म हो रहा है तो दूसरे व्यक्ति को थोड़ा नर्म हो जाना चाहिए, और बाद में जाके अगर हमारी इंटेंशन ठीक है तो जाके हम बातचीत कर सकते हैं, और समझ में आप बोले नहीं दूसरे व्यक्ति की इंटेंशन ही खराब है तो फिर उसके हाथ पे छोड़ दो,
आप जो ठीक कर सकते हो आप ठीक करिए, हम पूरी दुनिया को नहीं बदल सकते, हम एटलीस्ट अपने आप को बदल सकते। दूसरा व्यक्ति क्यों नहीं ठीक हो रहा ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने आप को हमेशा ठीक रखूं, मेरा आचरण गुरु साधु शास्त्रों के अनुसार, तो उनसे ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसे हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, नहले पे दहला करने से कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं होगा, हम कर्म बंधन में फंसते चले जाएंगे। स्वाभाविक है, तो भक्तों के संग में रहते हैं तो भक्त हमें विनम्र बनाते रहते हैं, थोड़ा अहंकार बढ़ेगा तो भक्त लोग हैं साथ में वो हमें सीधा करते रहते हैं, इसलिए हमेशा भक्तों के संग में रहें, चाहे भक्त को संग हमें थोड़ा तकलीफ भी दे रहा हो छोड़े ना, भक्तों का संग ही सबसे सुरक्षित स्थान है ना, भक्तों का संग हमें तराशता है, जो हमारी कमियां हैं उसको तराशता है, तो चुभेगा वो कोई बात नहीं, चुभने दो, इससे हमारी पॉलिश हो रहा है, हमें तराशा जा रहा है। एक भक्त का कई लोगों के साथ मतभेद है तो फिर क्या आपको क्या दिक्कत है, आपके साथ भी उनका मतभेद है और कई लोगों के साथ मतभेद है, इसका मतलब वही गलत है। देखो कई लोगों के साथ हो, कम लोगों के साथ हो, ज्यादा लोगों के साथ हो, उससे हमें लेना देना नहीं, ठीक है ना, कई बारी हम सोचते हैं सबके साथ मतभेद है तो मैं अपनी गलती को जस्टिफाई कर सकूं, ये ग्रुप मेंटेलिटी छोड़ो, किसका सबके साथ मतभेद है इसलिए मतलब यही गलत है, ऐसा नहीं, ठीक है ना, मेरा क्या है ये देखो बस, अपने आप से ईमानदार रहो, बस बस अपने आप से ईमानदार रहना है, ये नहीं कि उसके साथ वोट मैं 10 लोग खड़े कर दूंगा, सबके साथ मतभेद है, ये गलत हो गया मैं ठीक हो गया, नहीं, वो हो सकता है गलत हो या ना हो, उससे मेरा लेना देना है ही नहीं, मैंने ठीक रहने का प्रयास कर, एक व्यक्ति गलत है इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत हो जाऊँ, उसको अलग रिएक्शन मिलेगा, मुझे अलग रिएक्शन मिलेगा, तो ये मैं ये नहीं देखना कि वो सबके साथ गलत है, वो गलत है, वो हो या ना हो मुझे क्या लेना देना, अब मैं उसके साथ क्या करूँ, ठीक है आप कहिए मैं उसके साथ क्या करूँ, आपने बहुत प्रयास किया इकट्ठे होकर सेवा करने का प्रयास कीजिए, कम से कम सेवा करने का प्रयास कीजिए, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, दूर से हरे कृष्णा बोलिए, उसकी निंदा मत कीजिए, आदर दीजिए, वो अपना सेवा करती है, निंदा चुगली मत कीजिए।